मैं अंजू अग्रवाल आप सभी का अंजू के किचन घर चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं पीला मीठा चावल बनाऊंगी। इस चावल को अक्सर हम शादी पार्टियों में खाते हैं या फिर घर में कोई पूजा पाठ होता है तब बनाते हैं या फिर सरस्वती पूजा में, तो ये हर घर में जरूर बनता है क्योंकि ये माँ सरस्वती का प्रसाद होता है। चलिए आज हम प्रसाद को बनाते हैं, आप भी हमारी तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा। देखिए एक एक दाना खिला खिला बना है, बहुत अच्छा बना है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। पीला चावल बनाने के लिए मैंने ये पका हुआ चावल ले लिया है, ये नॉर्मल बासमती चावल है जिसे हम रोज खाना में खाते हैं, वही चावल है। आप चाहें तो इसे लंबा दाना वाला चावल से भी बना सकते हैं। और ये चावल के हिसाब से मैंने चीनी लिया है, ये थोड़ा पानी लिया है और ये घी है। घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मीठा चावल में। और ये मैंने पीला रंग लिया है, इससे चावल को कलर दूंगी। और ये दो लौंग है जिसे मैंने क्रश कर लिया है। और थोड़ा मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है, ये पिस्ता है इसे मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है, बादाम को भी मैंने लंबे टुकड़ों में काटा है, काजू के मैंने दो पीस कर लिए हैं, ये थोड़ा मैंने खरबूजा का बिया ले लिया है। और ये इलायची है, छोटी इलायची, इसे भी मैंने क्रश करके रख लिया है, ये थोड़ा किशमिश है। और ये मैंने तेजपत्ता लिया है, तेजपत्ता का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मीठा चावल में। तो आइए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस पर मैंने एक पैन को रखा है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। ये मीठा चावल बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, अब पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आने लगा है, इसमें हम चीनी डाल देंगे, मीठा आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इस पानी में हम ये लौंग डाल देंगे और इलायची भी डाल देंगे ताकि हमारा फ्लेवर इसमें बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। और ये तेजपत्ता भी हम इसी में डाल देंगे। गैस के फ्लेम को मैंने तेज ही रखा है अभी, और चीनी गलने तक इसे हम पकाएंगे। अब इसमें हम ये थोड़ा सा एक चुटकी पीला रंग डाल देंगे। कलर आपको चावल का जितना गाढ़ा करना हो आप कलर उस हिसाब से दे दीजिएगा। ऐसे मैं तो चीनी भी बिल्कुल परफेक्ट दे रही हूँ और कलर भी मैं बिल्कुल परफेक्ट दे रही हूँ। अब गैस के फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई और लो के बीच में रखा है, कलर अच्छा आया है, लेकिन आप इसे अगर और डार्क कलर चाहते हो तो आप थोड़ा सा कलर और डाल दीजिएगा। आपके पास केसर हो तो आप केसर भी इसमें डाल सकते हैं, मैं बिना केसर के ही बना रही हूँ। चीनी अच्छी तरह से गल गया है, अब इसमें हम चावल डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से करने से हमारा चावल का कलर बिल्कुल एक सा आएगा। चावल जब आप पकाइएगा तो आप पूरा उसे 100% कुक मत करिएगा, 75% ही कुक करिएगा। कलर थोड़ा हल्का लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा कलर और डालेंगे। इस बार कलर हम थोड़ा पानी में घोल के डालेंगे, पाउडर डालेंगे तो कुछ चावल के दाने हल्के रंग के हो जाएंगे, कुछ गाढ़े रंग के हो जाएंगे, एक सार कलर नहीं आएगा। और पानी में घोलकर मैंने डाला है, इससे सारे चावल के कलर एक जैसे आएंगे। इसमें एक चम्मच मैं मिल्क पाउडर मिला रही हूँ, आप चाहे तो इसमें खोआ भी डाल सकते हैं या फिर बगैर खोआ के भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें खोआ या मिल्क पाउडर डाल देने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें हम एक चम्मच घी डाल देंगे, घी का सुगंध इसमें बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इसे और टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैं नारियल बुरादा डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, आपका मन हो तो डालिए नहीं तो मत डालिए। और सबको हम मिला लेंगे और थोड़ी इसकी चाशनी सूख जाए तब तक इसे पकाना है। आप चाहें तो थोड़ा दूध में घोल के केसर भी डाल सकते हैं, मैंने केसर जानबूझकर नहीं डाला है। मुझे किसी ने बोला कि आप ऐसी रेसिपी बताया कीजिए जिसमें डालने वाले हर इंग्रेडिएंट हमारे पास अवेलेबल हो। तेजपत्ता का फ्लेवर इसमें आ गया है, अब इसे हम निकाल देते हैं। मीठा चावल हमारा बन के तैयार हो गया है, देखिए कितना खिला खिला बना है। अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे क्योंकि ये ठंडा होकर भी और थोड़ा इसका मॉइस्चर सूखेगा। देखिए कितना खिला खिला कितना अच्छा बना है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे, मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, बहुत ही सुंदर कलर आया है और बहुत टेस्टी बना है ये। अब इस पर हम थोड़ा मेवा डालेंगे। आप भी इस तरह से मीठा चावल बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। और अपना कमेंट हमारे साथ शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा। चलिए मिलती हूँ अब अपनी अगली और भी अच्छी अच्छी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।